subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोवाइज पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के शेयर को लेके। इस वीडियो में आज रिलायंस पावर को लेके जो बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपडेट्स देखने को मिला है, उसके चलते हो सकता है कि शेयर में एक तेज़ी आए। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे इसके चलते तेज़ी आएगा लेकिन यहाँ पे ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है एडीजी के या फिर कोई भी शेयर्स में देखेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आता है, उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे रिसर्च किया, छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ कोशिश करेंगे वो दिखाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पर पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग या आप स्टॉक से तो उसका या फिर आईएफएल से, तो उसका जो है लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो दोस्तों, रिलायंस पावर में चल के आ रहा है, रिलायंस इंफ्रा में चल के आ रहा है, रिलायंस का कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नेवल, हर एक जो है वीडियो ये सब शेयर्स का अगर देखा रहेगा तो जितने भी अपडेट्स आते हैं आप लोग कोशिश करते हैं अपडेट आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप अगर शेयर लेते हैं एडीजी के कोई भी या फिर अगर एडीजी के शेयर्स आपके पास है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जो है हम लोग को लगता है कि बहुत जानना चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर रिलायंस पावर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आया है। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि आपको ये शेयर खरीदना है क्योंकि शेयर में तेज़ी आएगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अभी अगर आप शेयर खरीदते हैं तो क्या अभी ख़रीदना चाहिए शेयर को। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं बीच में गिरावट, मतलब करेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। चलिए आप एक बार देखते हैं 6 महीने स्टॉक में क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है स्टॉक पे। 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 3 रुपीज़ 50 पैसा, 6 महीने के अंदर स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है 281.43% का, बहुत ही ज़्यादा जो है स्टॉक में, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक में जो है रिटर्न देखने को मिला है। 1 मंथ में देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट चल रहा है, 5 डेज में भी और 1 डे में भी देखेंगे तो स्टॉक में जो गिरावट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट्स आया है वो दिखाएंगे अभी आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारा जो ओवरव्यू है ये शेयर को लेके, फिलहाल जो यहाँ पे आपको ख़रीदारी नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं ख़रीदारी करना चाहिए और मतलब यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, अगर ख़रीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक दिन का देखेंगे स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। आप देख सकते हैं स्टॉक जो ओपन हुआ था 13.40 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 13.85 पैसे का, लो प्राइस दिया है 13.15 पैसे का। तो दोस्तों, यहाँ पे चले आप ही देखते हैं क्या अपडेट आया है रिलायंस पावर के शेयर को लेके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, शेयर में खरीदना चाहिए या फिर अभी आपको नहीं खरीदना चाहिए शेयर में, जो भी है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुछ दिन पहले एक रिलायंस इंफ्रा को लेके भी अपडेट आया था, द इशू टू प्रोमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर विल हेल्प रिड्यूस डेप्ट बाई 1325 करोड़। तो एडीजी ग्रुप का आपने अगर शेयर लिया तो आपको पता रहेगा कि जो है रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये सब जो है सब्सिडाइज कंपनीज एडीजी के। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो है असिस्ट करेगा या फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कोशिश करेगा जो है रिलायंस पावर का डेप्ट कम करने के लिए 1325 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है। और एडीजी के शेयर्स में हम लोग बहुत बड़ा आपको बताया है कि एडीजी के शेयर्स में जो भी इशूज़ चल रहा है सिर्फ डेप्ट के चलते, डेप्ट बहुत ज़्यादा है उसके चलते कंपनी का अगर देखेंगे एडीजी का जो कंपनीज है उसके शेयर्स उसमें गिरावट बन रहा है या फिर बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन जो है, द शेयर होल्डर्स of Reliance Power through postal ballot have approved the preferential issues or issue of equity shares and warrants. The issue of promoter company Reliance Infrastructure will help reduce debt by 1325 crore. The company will allot 59.50 crore equity shares and 73 crore warrants convertible into shares, and yahan pe dekh sakte hain convertible into equivalent number of equity shares of the company at rupees 10 each by conversion of debt aggregating up to 1325 crore to Reliance Infrastructure and listed promoter company. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग जो है रिलायंस पावर जो है 59.50 करोड़ के आसपास जो शेयर अलॉट किया जाएगा, और उसके अलावा 73 करोड़ वारंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब उसी के हम लोग देखेंगे तो उसी के शेयर्स में जो कन्वर्ट कर सकता है कंपनी जो है यहाँ पे दिया जाएगा, और वो लगभग 10 रुपीज़ के आसपास वो है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो उसके चलते जो है शेयर में 1325 करोड़ का जो डेप्ट कम हो जाएगा रिलायंस पावर का।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोमोटर ग्रुप होल्डिंग्स इन रिलायंस पावर विल इंक्रीज टू 24.98% एंड फर्दर टू 38.25% इन कन्वर्शन ऑफ वारंट्स। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि द शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस पावर हैव ऑल्सो अप्रूव्ड अ फंड राइजिंग बाई इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अप टू 50% ऑफ द नेट वर्थ of the company and securities through qualified institutional placement up to 25% of the net worth। तो यहाँ पे रिलायंस पावर के जो शेयर होल्डर्स है, मतलब अगर आपके पास भी शेयर्स रहेगा वहाँ से जो एक अप्रूवल मिला है फंड रेजिंग करने के लिए भी, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिलायंस पावर के जो सब्सिडियरीज कंपनीज हैं या फिर प्रमोटर कंपनीज है वो लोग यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे रिलायंस पावर का जो है डेप कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेप कम किया जाएगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1325 करोड़। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी वही अपडेट आ रहा है जहाँ पे प्रमोटर्स अपना शेयर बढ़ाएगा या फिर रिलायंस इंफ्रा को जो है डेप फ्री किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्यों लगता है कि शेयर नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों? तो बहुत बार आपने देखा रहेगा कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से भी आपके साथ शेयर करते हैं, मतलब ग्राफ में भी आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर का प्राइस में कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत बार यहाँ पे बोलेंगे तो बुलिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे मैकडी का लाइन भी जो है लगता नहीं कि यहाँ पे अगर मतलब अगर कुछ दिन के लिए आप शेयर थे तो यहाँ पे जो एक आपको तेजी बनता हुआ दिख सकता है। मैकडी का लाइन भी जो एक गिरावट दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा समय होल्ड करेंगे, अगर आप कुछ समय यहाँ पे रिलायंस पावर के शेयर में होल्ड कर सकते हैं तो ही लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब अगर आप कुछ दिन सिर्फ यहाँ पे जो है अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिलहाल हमें लगता है कि रिलायंस पावर का शेयर खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा मतलब समय या फिर जैसे कि अभी अगर देखेंगे तो कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करेंगे शेयर में, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं रिलायंस पावर के शेयर में तो ही हमें लगता है कि ये शेयर अभी खरीदना चाहिए, नहीं तो लगता है कि बिल्कुल भी अभी खरीदना नहीं चाहिए। और अगर किसी ने शेयर लेके रखा है 15-16 रुपये के आसपास भी तो लगता है यहाँ पे होल्ड करेंगे तो बहुत ही जल्दी वो देखने को मिल जाएगा टारगेट प्राइस। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ही था कि रिलायंस पावर को लेके मतलब एडीजी को लेके एडीजी के एक शेयर रिलायंस पावर उसको लेके क्या अपडेट आया है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे देखिए एडीजी के कोई भी शेयर्स अगर आप लेते हैं मतलब अभी तक बहुत सारे शेयर्स एडीजी का भी हम लोगों ने आपके साथ टारगेट प्राइस वगैरह जो है शेयर किया है और हर एक शेयर का जो है टारगेट प्राइस हिट हुआ है, हर एक शेयर का टारगेट प्राइस हिट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि जो टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं कोई भी शेयर को लेके वही टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के लिए आपको शेयर में खरीदारी करना चाहिए। जब भी आप कोई शेयर लेते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या फिर बेचने से पहले। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।